हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो यूकी 09 गढ़वाल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको कि पहाड़ में जो है चूड़ा कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है नाज होता है। नाज उसको पहले पानी में भिगोया जाता है, भिगोने के बाद उसको जो है कढ़ाई में भुना जाता है ढंग से। भुनने के बाद जो है वो देख रहे होंगे आप पीछे, मम्मी लोग उसे कूट रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनिल जी पूजा इसको भून रहे हैं अच्छे ढंग से, और ये मम्मी लोग सामने पे चाची और मम्मी जी उसको कूट रहे हैं। ये पहाड़ की खूबसूरती है। और ये देखिए यहाँ पे माँ जो है चूड़ा बनाने की तैयारी कर रही है। इस नाज को पहले भिगोया जाता है बाल्टी में रख के या किसी चीज़ में, उसके बाद लोहे की कढ़ाई में इसको भुना जाता है चूल्हे पे। और मम्मी है यहाँ पे और इसको भून रही है अच्छे से। चूड़ा बनाना। आज ये चूड़ा बनाने की तैयारी, जो गढ़वाली होंगे वो तो समझ गए होंगे कि चूड़ा किसके लिए बोलते हैं। चले दिखाते हैं आपको। ये इसे भूनने के बाद जब उल्खियारे पे ले जाते हैं, ये ओखली पे ला के यहाँ इसको कूटा जाता है। इससे इसको गिंजाला बोलते हैं। ये पूजा है, यहाँ पे कूट रही है। और ये देखिए इस तरह हो जाते हैं। देखिए हाँ, ये देखिए बिल्कुल ये बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और इनका स्वाद बड़ा अच्छा होता है। और यहाँ पे पूजा जो है चूड़ा को कूट रही है अच्छे से उल्खियारे पे। देखिए इस तरह जो है चूड़ा बनाए जाते हैं। और आपने खाए भी होंगे, जिन्होंने नहीं खाए वो अगर खाएंगे तो अगर वो इसको खाएंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और चूड़ा बनाने की जो है ये प्रक्रिया जो है इस तरह बनाए जाते हैं। ये देखिए हो गई साफ। अब इसको ज़रा थोड़ा सा फटका जाएगा, मतलब छाना जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा ऐसे इस तरह। देखिए पूजा ने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ले लूँगा, साफ़ हो जाएंगे जब। ये देखिए पूजा ने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा खा लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही कूटेंगे बिना भिगाए हुए तो ये चावल बन जाएगा। अगर हम इसको भिगो के इसमें भूनेंगे तो ये चूड़ा बन जाएगा। जबकि मतलब वे आने वाले तो बर्क आऊंगे। अभी हम कूट रहे हैं यहाँ पे चूड़ा, और एक घाण हमने कूट दी है, अब दूसरी घाण कूटेगी। अब वहाँ पे जो है उनको भून रहे हैं, और ये तो बोलते हैं डंडे को गिंजावा। आपने आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा इसका नाम, लेकिन गढ़वाली में इसको गिंजाला ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। और ये बकरी बाहर आ चुकी है वहाँ से। कहाँ भाग रहा है?
ये हमारे गांव का नज़ारा, ये देख सकते हैं ये केले का यहाँ पे पेड़ लगाया गया है और यहीं पे नल है, ये देख सकते हैं। इससे अभी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, पानी तो तेज आ रहा होगा लेकिन इसमें गिर रहा है। और केले का पेड़ है यहाँ पर और ये आसमान बहुत ही अच्छा हो रहा था इस समय। ये यहाँ पे तीनों के तीनों, इसको पकड़ो, गौर से देखिए इन आदमियों को, इन्होंने जो है तालिबान के साथ हाथ मिला के गुड गुड। जरा मामा एक गाना सुना दे, गाना सुना दे। कौन सा गाना सुना? कोई भी सुना। आज इनका जो है यहाँ पे गोली लगी है गर्दन में, देख सकते हैं काला हो गया बिल्कुल, काला हो गया। जलन पड़ रही है अभी, पड़ रही है। चलो तो एक गाना। आप MS भाई अभी सो के उठे और अपना मुंह धुल रहे हैं, इधर को चले गए। चलो इनसे भी मिलवाते हैं। ये देख सकते हैं पीछे जो है नज़ारा बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये बिजली का पोल है यहाँ पर और मामा यहाँ पर गाना लगा रहे हैं। और मामा यहाँ पे इतने चोड़े कूटेंगे थारे भाई तो मैं छाला लग जाएंगे। छाले मैंने भी सुनी तेरा गो बंदूर। मामा यहाँ पे गाना लगा रहे हैं और यहाँ पे जो है पूजो लोग यहाँ पे चूड़ा भूज रहे हैं। मैंने भी सुनी तेरा अब मेरे भी आ गया तुम्हारे भी आ गया। ये देख सकते हैं मस्त करो, तुम चूड़ा तैयार करो। चूड़ा तैयार, हेलो। और यहाँ पे चूड़ा तैयार किया जा रहा है और ये देख सकते हैं आप भाई साहब कॉल पे लगे पड़े हैं, यहाँ पे चूड़ा भूज रहे हैं। और वहाँ भी देख सकते हैं आप बिल्कुल दूर दराज पे इतना बड़ा गुंडा लिए गुंजावा लेके चूड़ा कूटने पर जाए फ़ोन पे लगे पड़े हैं। चलो आगे यार पूछते हैं। बिल्कुल मामी को चैनल बता दो UK09 गढ़वाल। मामी तुम आज चैनल पे आने वाले हो, अब ये बिल्कुल चैनल पे आ जाएंगे, वायरल हो जाएंगे बिल्कुल। मामी का नाम बता देगा शीतल। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक है। मामी का नाम शीतल है, गांव का नाम भी बता। अकोड़ी गांव का नाम नहीं बता, चोरी कर रहा क्या? चलिए मामा ने गांव का नाम भी बता दिया। अच्छा अपने लोन में ठस खगोड़ी। चलो एक डायलॉग हो जाए, जरा डायलॉग हो जाए जरा। मामी तेरा ब्रेकअप नहीं करो। क्या बोला तूने? नहीं कर दी, इसने मेरा नाम बता दिया साले। मम्मी और मामा जी हैं जो, ये देखिए बिल्कुल गुलख्यारे पे कूट रहे हैं और साथ में बात भी कर रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो है चूड़े यहाँ पे कूटे जाते हैं। अभी मैं थक गया हूँ और यहाँ सीढ़ी में बैठ चुका हूँ और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। तो आ गए हैं अपने MS भाई, इनसे मिलिए। ये अपने MS भाई हैं, क्रिकेट का बड़ा मस्त टैलेंट रखते हैं अपने पास और इन्होंने छपरी लॉन्डो की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इन्होंने बहुत मदद करी है। इनकी मदद से जो है काफ़ी वो वीडियो पॉपुलर हुई और MS भाई अभी सो के उठे। तो दोस्तों आइए मिलवाता हूँ अपने बड़े भाई से। ये इनका नाम राजा है, ये गनगर के राजा हैं और बड़े हैंडसम और स्मार्ट लगे, इनका बड़ा फैन हूँ। और अगर आप भी इनके फैन हैं तो कमेंट जरूर करिए और नाम में इनका कमेंट लिखिए राजा। चुप बजा दे सबका बाजा। अरे ये देखिए दोनों कैसे बैठे हैं यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों करते होते, कोई आईडी सर्च कर रहा है तो कोई फोन पे बात। ये भैया की बकरी आ गई है, बकरे 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 भाई।
ये देखिए क्या जमाना आ गया है, बात करके छोड़ना, इन्होंने मोबाइल को अपना दिया है। ये देखिए इनको ठंड लग चुकी है बहुत, मोबाइल ने सबकी कहानी ख़राब करके रखी हुई है। और अंधेरा होने को भी है, और ये देखिए चांद आ गया है यहाँ पर। मैं छोड़ जाना चाहिए आज। अनिल जी नीचे जा रहे हैं दिल्ली, और हम उनको ड्रॉप करने के लिए, मतलब सॉरी, हम उनको वहाँ घनसाली तक छोड़ने जा रहे हैं। अमेजिंग, ये आ गए सब लोग। अरे बीच में मामा, चल मामा गाना लगो तो को फटाफट। ये है सकुनी मामा, ये हमारे सकुनी मामा है, कंस ना कंस, कंस मामा को गाना लगो, सुबह अफोड़ी और गाना लो। साली माखाई मन पाकुड़ी, अरे मेरे पसंद के बांदर ली आकुड़ी। एक बार फिर से जरा ढंग से लगो। चंद्रमा सूरज कन के होलो मिलन, अरे जून से जूनियाली सियाली के रन सबसे, अरे फटी बूटी जींस हप सल्ट चा क्या बात है, अरे दो बेटे दिख दे इस मल्ट चा। मामा ने जो है गाने का जो है खतरनाक।